नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं अपने दोस्त कांतिलाल आदिवासी के साथ कोटड़ा टाइम्स न्यूज़ चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 14 अप्रैल 2024 को कोटड़ा में भी युवाओं द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती जय भीम नारों सहित मनाई गई और वहां मौजूद रहे नेवास पंचायत के चौजी भाई खेर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जय भीम का नारा लगाएंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो हमें आज जो मनोबल मिला है, आज बोलने की क्षमताएं हम रखते हैं, बात भीमराव अम्बेडकर की देन है। और हम लोग जैसे ही किताब पढ़ते हैं तो सारा नॉलेज ज्ञान हमें किताब से मिलता है। और भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आज कोटड़ा में भी मनाई तो जा रहे हैं, लेकिन आप सभी को, युवा साथियों को, सभी को जितना जानकारी होगी उससे ज़्यादा जानकारी हमको भी थोड़ी बहुत है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे कोटड़ा में आज संविधान के निर्माता जो है उनको तो ले रहे हैं साथी, लेकिन एक मनोवादी विचारधाराओं के लोगों को भी साथ में जोड़ रहे हैं। और वो जोड़ रहे हैं धर्म को, धर्म अकेले को ले रहे एक तरफ, तो उस धर्म के जरिए हम लोगों को कहीं न कहीं भटकाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो हम लोग खुद समझदार हैं और समझदारी से भीमराव अम्बेडकर के असूलों पर चलेंगे और इनकी देन के हिसाब से हमें जो भी अधिकार मिले हैं उन अधिकारों को हमें ठीक तरह से समाज को प्रेरित करने के लिए, शिक्षा को आप महत्व देने के लिए और जायज चीज़ों को हमारे समाज के उत्थान के लिए काम करने की प्रेरणा स्रोत बने हैं। तो हमें हमारे समाज के लिए, हम जैसे युवाओं को, सभी को आगे आकर के ना किसी और चीज़ों को बढ़ावा देकर के हमारे महान व्यक्ति के द्वारा हमें जो आज संविधान दिया गया है उस संविधान की अनुरूप में काम करते हुए हमें आज इनके शरण में, आज इनकी जयंती को मना रहे हैं। तो हम उनकी छोटी जयंती का नमन अर्पित करते हैं।